चलिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक रेसर कार का। एक रेसर है जिसकी कार रेस से चालू होकर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करती है और वो इतना एक्सेलरेशन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर तक करती है। तो हमें पता करना है कि ये 400 मीटर ट्रैवल करने में इस रेसर को कितना टाइम लगेगा और 400 मीटर ट्रैवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 है, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो गिवन एज 400 मीटर्स। तो इसको यूज करके हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax को यूज करके। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 40√5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमें टाइम फाइंड आउट करना है कि ये 400 मीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। v इज इक्वल टू u प्लस 80 से हम निकाल सकते हैं टाइम विल बी 4√5 सेकेंड्स।